चलो भाई, मोहित कुमार और काशी जी अभी ज्वाइन कर जाएंगे। 3D सीरीज का जो मेरे एलिमेंट होते हैं वो कौन से पीरियड में आते हैं, कौन बताएगा मुझे? काजल, क्या तुम मुझे बता सकती हो? यस खुशी, बताओ। 3D सीरीज के मेरे एलिमेंट कौन से? वेरी गुड खुशी। 3D सीरीज के मेरे जो एलिमेंट होते हैं बच्चे, वो मेरे फोर्थ पीरियड में आते हैं। 3D सीरीज के एलिमेंट मेरे कौन कौन से थे? स्कैडियम, ये मैं दोबारा ऐसे ही लिख रही हूँ, मैं बहुत बार लिख चुकी हूँ ताकि तुम्हें याद हो। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जी और ये हो गया आपका लास्ट में जी जिंक। जिंक, जी गुड। अपना माइक ऑफ करके अपने आप घर में तेज से बोलो ताकि मम्मी पापा कहें कि हमारे बच्चे को क्या हो गया भाई। ठीक है, माइक ऑफ करके, लेकिन मेरे को नहीं सुनाना। ठीक है भाई? ठीक है, बस अब हंसो भी मत ज्यादा, ज्यादा मत हंसो भाई। नेक्स्ट आ जाओ, 4D सीरीज मेरे कौन से वाले, इसमें कौन सा पीरियड आता है? फिफ्थ पीरियड आता है आपका। स्कैडियम के बाद आपके पास कौन सा आता है? ला, नहीं, यारी जरा। कौन सा आता है भाई? यारी जरा था, बोल दो भाई, कोई तो बता दो। यस मैम। यस येट्रियम, ठीक है। येट्रियम के मेरे पास जो होते हैं वो क्या होता है, इसमें एलिमेंट होते हैं मेरे पास यारी, जरा, जरा, निभा, मौत, तक। एक और मैंने याद करने के बताया था, मन, तक, रे, ठीक है, फे, रस, फे, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, ये इसी ग्रुप का है। कोबोल्ट का कुछ था? नहीं, कोबोल्ट का कुछ नहीं होता था। मन, तक, रे, रूह, रह, कोबोल्ट, रुहिडियम, इरिडियम, बस ऐसे ही याद रख लो। रूह, रह, पढ़, एजी, सीन, ठीक है। रू, रे, निकल, प्लेडियम, प्लेडियम के नीचे कौन आता है भाई? प्लैटिनम, कॉपर, एजी, गोल्ड, और जिंक, कैडमियम, मर्करी। मरकरी। यस भाई, यही था। यस मैम। यस मैम। चलो अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसके बाद मेरे यहाँ के थोड़े बहुत बच गए हैं, कौन से हैं? 5D सीरीज के साथ हम कर रहे थे ला, हफ्ता, वरना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक इसमें किसका सबसे ज्यादा होता है? जिससे पूछूंगी वो बताएगा। वैशाली, पूछने दो भाई किसी से, मुझे पता तो चले कि कुछ आता है, आया भी है या फिर मैंने बस पढ़ा ही दिया है। आदित्य, आदित्य, एक बात मुझे बताओ, यस अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सीरीज में डाउन दी ग्रुप जा रही हूँ, कल की क्लास में भाई आदर्श हमने किया था, अगर हम डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं, हाँ आदर्श मैंने देख लिया, तुम प्रेजेंट हो क्लास में, अगर मैं डाउन दी ग्रुप जा रही हूँ तो साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, राइट? अगर मैं यहाँ से इस वाले 3D से 4D में गई तो मेरा इसमें साइज जो है ज्यादा बढ़ता है, जबकि जिरकोनियम से हॉफनियम में जाती हूँ तो साइज में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा, आदर्श ही बताएगा। आदर्श बताओ, मैं जिरकोनियम से हॉफनियम में गई, मैं 4D से 5D सीरीज में जा रही हूँ तो साइज में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट क्यों नहीं आ रहा, जबकि टाइटेनियम से जिरकोनियम में जाने में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है? सबने हैंड रेस कर दिए, जवाब मैंने आदर्श से मांगा है। मैम लैथनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। वेरी गुड भाई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लेंथेनॉइड सीरीज आ गई, जिसने क्या किया, जिसकी डिफ्यूज शेप थी, शील्डिंग अच्छे से नहीं हुई, एटॉमिक जो, यही तो कल की पूरी क्लास में हमने यही किया था आदर्श, तुम क्यों परेशान हो रहे थे कि नहीं समझ में आया, उड़ाना है, ढिमकाना है। ठीक है, अब जरा आगे का पढ़ लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल जी, क्लैपिंग करवा देते हम, अगर आदर्श ने हमें परेशान नहीं किया होता इतना तो। आदर्श बहुत परेशान था, उसे कल की क्लास समझ नहीं आई करके, बस इतनी सी बात थी। मेरे ख्याल से कल हमने पूरी क्लास में यही किया था, बस अब शांत हो जाओ भाई, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अब मुझे बता दो नेबेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरी जो ट्रिक है वो सुन लो, बाकी कोई भी अब रिप्लाई नहीं, कोई भी मैसेज नहीं आने चाहिए। नेबेडियम, मॉलिब्डियम, तक, रूह, रह, ये जो मेरे चार, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों के पांचों मेरे एक्सेप्शन है,
जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन रहती है। बस याद रखने की ट्रिक क्या बनाई है ये कि निभा मौत तक रूह रहने तो भाई एस में वन ही आएगा, एस वन एस वन। क्लियर है? बाकी क्या आपके 3D जिरकोनियम निबिडियम में कितने होते हैं? 3D कितने हो जाएंगे? ये अब होना क्या चाहिए था, 3D 3 4s 2 होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो जाएगी बच्चे 3D 4। यहाँ पर 3D क्या होगा 5, मॉलिब्डियम में 4D आएगा ना? क्या 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 मैम? 4D आएगा कहाँ पे? अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक भाई। यस मैम, 4D सीरीज है ना ये, 4D आएगा, वेरी गुड। चलो 4D 4D 45 4D 6 4D 7। भाई बस यही वो है, ये तीनों के ये चार पांच जो है आपके एलिमेंट है, ये एक्सेप्शन है इस वाली सीरीज में। ये हमने कल वाली क्लास में भी किया था, पर इतने अच्छे से नहीं किया था, पर मैं भी यहाँ पर अलग से लिख रही हूँ इन एनिमल्स को। 4D होना चाहिए। निबेडियम निभा, हाँ हाँ लिख तो दिया था भाई, 4D निबेडियम मॉलिब्डन निभा मौत तक रूह रह, रूह रह तक तो भाई इसमें क्या यही था ना, निभा मौत तक रूह रह, रूह रह तक तो भाई उसने क्या बोला, एस वन ने साथ दिया, मतलब कि एस ये याद रख लो इस तरह की, एस वन ने एक का साथ दिया, एस वन ने एक का साथ दिया निभा मौत तक रूह रह में। एस वन कितना, कौन सा एस वन रहेगा? 5s 4d 4 4d 5 5s 1 4d 6 5s 1 4d 7 5s 1 4d 8 5s 1। क्लियर है? हां सकती हूं। बोलो भाई इलेक्ट्रॉनिक। ऐसा इसलिए भाई ये एक्सेप्शन है पहली बात तो, दूसरी बात ये कि इसमें जो 4d और 5s की जो एनर्जी गैप है ना दोनों के बीच का, यस मैम ठीक है ना, ये दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में ना जाके वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ना हो, इसलिए वो कहाँ पे जा रहा है आपका, डी में। क्लियर है? नो मैम। नहीं नहीं बोलो भाई। यस मैम। एक मिनट, मुझे तो कौन बोल रहे हो जरा नाम भी बता दो मैम। नीतू। कौन? मेधा मथुरिया? नीतू नीतू हाँ पूछो भाई, क्या 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 दिक्कत है मैम? ये मुझे समझ में ही नहीं आया बच्चे, ये एक्सेप्शन है मैम। वो तो समझ में आ गया, पर हाँ। इसमें 4D में 5 और 5S में 1 वाला तो समझ में आ गया कि वो ऐसे भरते हैं, हाँ, और हाँ। बाकी में इसमें 4th और इसमें 1 ऐसे क्यों, 4D 4 और 5S 1 क्यों? तुम बताओ फिर क्या होना चाहिए था, रुको तुम बताओ बताओ मुझे। श्रेया पांडे और ये ऐड हो रहे थे, हो गए? श्रेया ऐड हो गई है, श्रेया और आस्था आ रहा। मैम मैं ये पूछ रही कि ये ऐसे क्यों भरा बच्चे, ये एक्सेप्शन है, तभी तो मैंने अलग से लिखा है, ये एक्सेप्शन मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही होगा? हाँ, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, मेरे एनर्जी किस रूल से मैं भरती हूँ इनको, एनर्जी लेवल जब भरती हूँ तो हर्ट्ज रूल से भरते हैं। यस मैम। ठीक है ना, तो होना तो क्या चाहिए था, निबिडियम जो है होना चाहिए था 4D 3 5S 2, यही होनी चाहिए थी ना। मॉलिब्डेनम की कितनी होनी चाहिए थी? 4D। मॉलिब्डेनम की तो मैंने कहा हाफ फील ज्यादा स्टेबल होता है, यही होनी चाहिए थी, जैसे क्रोमियम की मैं करती हूँ 3D 5 4S 1, राइट। लेकिन इसमें निबिडियम तक ये चारों भी इसके साथ एक्सेप्शन है। क्लियर? रूह रेहिडियम भी 4D 8 5S 1, तो ये एक्सेप्शन है, आपको ऐसे ही याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद जो पैलेडियम है, आप देखो भाई यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शन आ गई हैं, तो उनके लिए कोई अब रीजन नहीं है, रीजन मैंने बता दिया, इन दोनों में एनर्जी गैप रटना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, पैलेडियम जो है होना क्या चाहिए था, अब जिस हिसाब से भर रहे हो तो होना चाहिए था आपका 4D 8 5S 2, पर लेकिन इसके दोनों के दोनों भी इधर चले जाते हैं, फुल्ली फील्ड वाला बोलता है भाई मैं तो पूरा का पूरे ही लूंगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4D 10 पैलेडियम। उसके बाद कौन आता है, रूह रह पर एजी, एजी का क्या रहेगा 4D 10 5S 1। एजी के बाद कौन है भाई, सीडी 4D 10 5S 2। अब जरा इसको जूम इन करती हूँ, अब देखो सारे एक साथ क्लियर है भाई। एक्सेप्शन वाले मैंने नीचे लिख दिए, बस इनको ऐसे ही याद रख लो,
याद करने का बस ये एक तरीका बता दिया मैंने, क्या मतलब कि दिमाग में रहे, इसलिए कि निभा और रह तक, तो निभा से लेके रह तक एक का साथ दिया, मतलब कि एक एक भरना है और बाकी के जो बच गए वो डी में डाल देने हैं। क्लियर है नीतू, बोल दो। नहीं क्लियर, डी में डाल देने हैं और उसके बाद बस ये ऐसे याद करना है, बस ये ट्रिक मैंने बता दी याद करने की कि मैंने ये क्यों ऐसे बोल दिया कि रह तक, और उसके बाद तो बाकी का तुम्हें पता ही है कि बाकी का क्या नहीं पता, बाकी का भी एक्सेप्शन है क्या मैम, पढ़ वाले में होना क्या चाहिए था, 4D 48 5S2 ऐसे ही करते ना, अगर मैं निकल के साथ नीचे आ रही हूँ, निकल की तो ऐसे ही होती है 3D 8 4S2 यही होती है ना निकल की, है ना, होनी इसकी 48 5s2 चाहिए थी, पर भाई एनर्जी गैप इतना कम था और डी के फुल फिल्ली फील्ड वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसने दो से वो इलेक्ट्रॉन जो है छीन लिए, 4D 10 बना लिया, 5s को जीरो दे दिया। क्लियर है नवीन? क्लियर है नवीन राम, मीनू कुमारी, नवीन, मेधा माथुरिया, मयंक, गुड। बस ये मतलब याद करने का बता दिया, और एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन वाले जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ऐसे एक क्रोमियम का भी है। अब जरा मैं बात कर, मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ मुझे, और 5D वाली सीरीज में, जो 5D वाली सीरीज है उसमें सिर्फ आपका एक ही जगह एक्सेप्शन आएगा, जो नीचे वाली, इससे नीचे वाली, वो कहाँ पर आएगा एक ही जगह एक्सेप्शन किसका है सिर्फ और सिर्फ, मर्करी का, एचजी में होना चाहिए था, एचजी नहीं सॉरी AU में, किसमें, AU में होना चाहिए था 3D 9 3D कह रही हूँ, कितना आएगा भाई 5D 9 6S 1 होना चाहिए था, और 6S 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या होगा 5D 10 6S 1, बस इस वाले में एक ही है, तो हर तीनों सीरीज के जो एक्सेप्शन है वो हमने कर लिए। अब जरा जिससे मैं पूछूंगी, जरा मुझे बताओ, जब मैं तुम्हारा वाइवा ले रही थी तो मैंने एक क्वेश्चन जो मैं हर किसी बच्चे से पूछ, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था सबसे, भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दो, जिस बच्चे ने मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बता दिया था, उसको तो भाई मैंने शिफ्ट कर दिया था। अब तुम में से महान बच्चे कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब नहीं पता क्या होता है, मैम आपने मैं वाइवा लिया ही नहीं था, मेरा भी नहीं हुआ। अरे तुम्हारा कितने सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा, है ना, नहीं हुआ होगा, तभी तो तुम लोग इसमें बैच में आ गए कि वाइवा नहीं हुआ था तुम्हारे। चलो भाई, क्योंकि तुम, चलो छोड़ो, मुझे तमन्ना जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सुमन हैंड रेज कर लो भाई, जिसे बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बेकार मत करना, किसी से भी पूछ लूंगी। तबस्सुम, क्या तुम मुझे बता सकती हो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? सिमरन राय, शहनवाज, हाँ सिमरन बोलो, सिमरन आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैम रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके हाँ तबस्सुम बोलो तबस्सुम मैम, मेटल के लास्ट सेल से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ओके एक और वर्ड आता है इसमें, क्या मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने इस वाले से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और यहाँ पर मेरी एनर्जी रिली, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और एनर्जी जो रिक्वायर्ड हुई इसको यहाँ से रिमूव करवाने में, क्या ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है मैम? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैं बताऊँ मैम, बस हो गया, बाकी आंसर आ गया है, आफ्ताब ने आंसर दे दिया, ठीक है, और आदर्श ने भी दे दिया है आंसर, तो मतलब जो मैं बताना चाह रही थी वो मैं बता रही हूँ, रुको छोड़ो, बस अपने हैंड्स अप डाउन कर लो, लवी हैंड डाउन, खुशी, सोनम, राधिका, एनर्जी यहाँ पर मेरी जो एनर्जी लगेगी वो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आइसोलेटेड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम,
तो जो ये गैशियस एटम, अब इसमें से जो एनर्जी निकालने में, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मुझे एनर्जी लगी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर है? अब जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा. व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? सृष्टि, सृष्टि या फिर श्रेया पांडे? शहनवाज तुम भी बता सकते हो. When we move from left to right, ionization enthalpy increases or decreases? आदर्श ने आंसर दिया डिक्रीज होगी. मैम मैं बताऊं? श्रुति मैम इंक्रीज. यस यस मैम. बस 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 अब कमेंट ऑफ करो, कमेंट ऑफ करो, जल्दी से बंद करो भाई, बंद बंद. चलो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपने उसमें, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो करती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है. साइज क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, हमने साइज के लिए कल एक वो भी किया था, एक ग्राफ भी बनाया था कि आपका जो साइज का ग्राफ है वो कुछ ऐसे जा रहा था, थोड़ा सा जिंक का हल्का सा ऊपर, कॉपर का भी ऊपर, यहाँ पे निकल कॉपर थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ही था ना. स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, यही था भाई? यस मैम. स्कैडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, आ जाओ, उसके बाद आ गया था हमारा क्या, मैग्नीज, नीचे गए मैग्नीज के बाद, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर जो होता है, कोबाल्ट निकल तक थोड़ा सा क्या रहेगा, ये इक्वल रहता है, ठीक है, और कॉपर का हल्का सा ऊपर जाएगा, निकल से थोड़ा सा ऊपर, किसका, कॉपर का, और जिंक उससे ज्यादा, जिंक का जो साइज होता है वो बड़ा होता है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई, जब लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. साइज डिक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी. अब मुझे एक बात बताओ, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बताया ना सबको? अंजलि को नहीं पता सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पता है ना क्या होता है भाई? देखिए, मैग्नीशियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मैग्नीशियम प्लस लगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसको एनर्जी लगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब इस मैग्नीशियम प्लस में से, इस कटायन में से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगी वो क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्लास 11 का एक फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि आपके यहाँ पूछा जाता है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट, तो इसका आंसर हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर होगी. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से, ठीक है माइक ऑफ, एक पॉजिटिव चार्ज में से मुझे इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करना है, निकालना है. तो हमें न्यूट्रल से निकालना, ये गैसियस एटम जो न्यूट्रल है इसमें से निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अगर मुझे ये सेकंड इसमें से निकालना हो, मतलब एक कटायन में से निकालना हो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को एकदम पकड़े रखेगा, जाने नहीं देगा, तो हमें एनर्जी उसको निकालने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी. तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, क्रोमियम की वो क्या रहती है भाई, ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीज. होना क्या चाहिए था भाई, मैग्नीज की ज्यादा होनी चाहिए थी. अभी मैंने बताया कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, साइज इज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, राइट? हमने यही पढ़ा. क्रोमियम मैग्नीज के बाद आता है. क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है. वो इसलिए क्यों भाई, मैं टाइम नहीं दे रही हूँ तुम्हें से पूछने का. मेरे पास ऑर्डर इसका, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d5 4s1, मैग्नीज की होती है 3d5 4s2, ठीक है, ध्यान से सुनना. अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, किसमें से, क्रोमियम में से, आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ लगी, तो मेरे पास ये 3d5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्रोमियम प्लस बन गया ये क्रोमियम में से. यहाँ मैग्नीज में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो मेरे पास एक आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैग्नीज प्लस बना और 3d5 4s1. अब मुझे एक बात बताओ, 3d5 4s1 और 3d5, ये 3d5 4s0, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ, और 3d5 4s1, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें डिफिकल्ट है. 3d5 में से 3d5 ओके ओके ओके, बस बस, हाँ बिल्कुल ठीक आदर्श. हमें क्रोमियम से
इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ये शो कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना टफ है। तो 3d5 क्रोमियम की जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज सेकेंड फॉर ग्रेटर देन दिस, क्लियर है। तो जब भी तुम्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर वगैरह कुछ पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो एक बार सेकंड का पूछ ले या फिर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का पूछ ले। एक बात मुझे बताओ, मैग्नीज 3+ क्या स्टेबल होगा? मैग्नीज 3+ कभी भी फॉर्म हो सकता है? मतलब इसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये अनस्टेबल होता है। मैग्नीज प्लस तो चलो मैंने बना लिया, ठीक है, एक मैग्नीज मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी फर्स्ट, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d5 4s1। नेक्स्ट इसमें से मुझे एक और इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 दी, तो मेरा बना मैग्नीज 2+, जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, हाँ या ना? आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इजीली रिमूव हो जाएगा 4s1 में से, हो जाएगा। यस, यहां इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करके मैग्नीज 3+ बनाना इज बहुत डिफिकल्ट, तो इसलिए मेरे ये जो इसका ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता, तो ये इसके आयनाइजेशन, तो ये अनस्टेबल फॉर्म है। ये क्या कौन सी होती है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। अभी हम KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ये सब पढ़ेंगे। तो ये बातें हो गई एंथैल्पी से रिलेटेड। एक और इसमें पॉइंट है आपकी बुक के अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करी है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा या किसका कम। एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये पता है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है? सानिया को पता है? सानिया गिरी बता सकती है मुझे? सानिया गिरी, गिरी जी, रोजी या फिर रिचा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन? रिचा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है? काजल को पता है? प्रियांशी नेलवाल, सेम मेटल का ऑक्सीडेशन, हम जिसमें सेम मेटल का ऑक्सीडाइड, सबको आता है भाई आफ्ताब, मुझे पूछने दिया करो ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा भाई, अगर मैं पूछूंगी तभी पता चलेगा मुझे, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है, सेम मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, रिडक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, MnO4 negative क्या ये मेरा डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो कर सकता है? Yes, ma'am, कर सकते। चलो सोनम बोल रही है कि हाँ ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने कल अभी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट किया था, हर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस की थी। स्कैडियम सिर्फ और सिर्फ +3 दिखाता है, टाइटेनियम +2 +3 +4 दिखाता है, वेनेडियम आपका क्या क्या दिखाता है, +2 +3 +4 +5 दिखाता है, क्रोमियम जो होता है वो क्या कौन कौन सी दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम जो था वो कौन कौन सी दिखाता है आपका, +2 +3 +4 +2 से +6 क्रोमियम। उसके बाद आता है आपका मैग्नीज, जो कि आपका सारी दिखाता है +2 +3 +7 +4 रुको मुझे लिखने दो, +5 +6 +7 उसके बाद मैग्नीज के बाद कौन है आपका, आयरन। आयरन जो है वो आपकी कौन कौन सी दिखाता है, +2 और +3 +2 +3 +1 याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, शायद आपका पता नहीं कहीं ये चैप्टर में कहीं स्ट्राइक करे, 11th क्लास में कहीं पढ़ा होने। एक हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते थे, याद है कभी? अरे भाई कौन सा ब्राउन रिंग टेस्ट, याद है कहीं किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं भी पढ़ा है? नहीं, जो आपका क्वालिटेटिव वाला पार्ट था ना 11th क्लास में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव वाला फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही थी जिस चैप्टर में, शायद उसका अगला था या वही था। ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है मेरा, हम शो करते हैं वहां पर आयरन जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट में, जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +2 +3 और +1 भी शो करता है कहीं कहीं, या +4 और +6, ये बहुत रेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आयरन के बाद, अभी लिख लेते हैं, चलो अब मैंने लिखा ही है, तो कोबाल्ट क्या क्या करता है, +2 और +3 और +4 सिर्फ, जिसमें से जो वाली कौन सी है जो ज्यादातर रहती है वो +2 +3 रहेंगी। निकल के पास +2 +3 +4 है,
और उसके बाद कोबाल्ट निकल, कॉपर जो है वो दो ही शो करता है, प्लस वन और प्लस टू, जिसमें से प्लस टू जो होती है वो ज्यादा स्टेबल रहती है, ठीक है, स्टेबल, प्लस वन इज अनस्टेबल फॉर्म ऑफ कॉपर, याद रखना, प्लस वन इज अनस्टेबल, कॉपर का प्लस वन जो है वो, लिख लो इस बात को। और जिंक भी है, PYQ। हाँ, मैं भी बताती हूँ, हाँ, वो वाला क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी। जिंक जो है वो प्लस टू करता है। अब तुम, मैंने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली भाई, तुम्हें भी ये ऐसे याद हो जानी चाहिए। अब तुम यहाँ देख रहे हो मैग्नीज जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो कर सकता है, वो क्या है आपकी, प्लस सेवन, ठीक है। अब क्वेश्चन को करवाने का क्या, ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों लिखी, MnO4 नेगेटिव एक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई जिससे पूछूंगी वो, OV, तुम बता सकती हो, MnO4 टू MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, OV, 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 सो गई क्या, उठ जाओ OV, सारे बच्चे उठे रहो भाई, किससे भी क्वेश्चन आ सकता है, OV तो सो गई भाई, कौन बताएगा, पारुल राय, पारुल राय, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा सारे बच्चे हैंड्स डाउन करो, जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है सिर्फ वो हैंड रेज करो। नीतू को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता, प्रियांशी को भी नहीं आता, श्रेया को भी नहीं आता, सिमरन को भी नहीं आता, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता सिमरन? नो मैम। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, कल वाली क्लास में भी हमने किया था और ये इम्पोर्टेंट है, ये मैम प्लस सेवन ही आएगा। हाँ प्लस सेवन आएगा, चलो चलो एक बार मुझे बताने दो सिर्फ उसके लिए, और भी बच्चे हैं जिन्हें नहीं आती। मैग्नीज का मैं मानूंगी एक्स, ठीक है भाई, कौन था, कौन था जिसे नहीं आ रहा था भाई, नीतू और सिमरन को, मैग्नीज को लिया मैंने एक्स, मैग्नीज को लिया एक्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल, नीतू तुम्हें आता होगा शायद हिंदी में है तो, yes, ऑक्सीजन है मेरे पास फोर, तो चार ऑक्सीजन, चार, और ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो माइनस का टू लेते हैं, इक्वल टू ऊपर से क्या चार्ज है इसका, माइनस का वन, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस वन, ये माइनस का एट यहाँ पे आ जाएगा और ये उठ के उधर गया प्लस का एट, तो आंसर आ गया प्लस सेवन। क्लियर है सिमरन, याद आया कुछ कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? यस मैम। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आता रहेगा कैसे निकालना, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीज जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन ही शो करता है, प्लस सेवन से तो ये आगे जा ही नहीं सकता, तो जब इसका आगे ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे शो करेगा, ज्योति चौधरी बताओ मुझे, कैसे कहा, किसने बोला था भाई, ऋतु, MnO4 नेगेटिव डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और इससे आगे ये जाएगा ही नहीं, क्लियर है, नहीं, हाँ नीतू, डिस्प्रोपोर्शनल मतलब, नहीं बता सकती मैं हिंदी में क्या, किसी को पता है हिंदी में डिस्प्रोपोर्शनेट क्या, तमन्ना लेकिन ये आगे नहीं बढ़ सकता, तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, वो दोनों तरफ जाए, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो MnO4 KMnO4 अगर इसको मैं कटायन के साथ लिखती हूँ तो ये ऐसे लिखा जाता है KMnO4, इसमें से पोटेशियम जो है वो क्या है आपका, पोटेशियम आपका कटायन की तरह काम कर रहा है, हाँ MnO4 अगर मैं इसमें से निकाल दूं, MnO4 नेगेटिव, इसको मैं ऐसे भी लिखती हूँ, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम परमैंगनेट बच्चे आपका जो है कैसा एजेंट रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा इसका, इसका खुद का तो होगा क्या, रिडक्शन, हमेशा कम ही होगा इसका, हमेशा रिडक्शन होगा, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। पढ़ा मैं क्या रही थी, अभी तो मैं इसके MnO4 के बारे में आई नहीं हूँ, लेकिन ये फिर भी हमने बता दिया, ठीक है, थोड़ा ऑक्साइड्स के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। अब आ गया एक और रिएक्शन है मेरे पास, जो कॉपर है वो प्लस वन वन जो रहती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं रहती है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है कॉपर में और कॉपर टू प्लस में, ये रिएक्शन याद रखना, कॉपर प्लस जो है वो किसमें आपका डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई सानिया,
जिसके ऊपर जो चार्ज रहता है ना वही उसका ऑक्सीडेशन. अगर कुछ नहीं है इसमें प्लस का चार्ज लगा है तो यानी कि प्लस वन इसकी ऑक्सीडेशन. यहाँ पर कॉपर लिखा है सिर्फ, कोई भी चार्ज कुछ नहीं है तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी जीरो. इसके ऊपर टू प्लस चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई प्लस टू. तो कॉपर प्लस वन से जीरो में चला गया, प्लस वन से कहां पर आ गया प्लस टू में. तो ये आपका हो गया यहाँ पे इसका रिडक्शन और एक जगह हो गया इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो ये आपका शो करेगा क्या, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जो है यहाँ पे शो होती है. कॉपर प्लस एक अनस्टेबल होता है इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है. ठीक है, चलो भाई अब जरा सा स्लाइड में आ जाते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल कैटलिस्ट से काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम. और ये जो कैटलिस्ट, इसमें कैटलिस्ट क्या होता है भाई? मैम जो रिएक्शन को फास्ट करने हेल्प करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या करते हैं वो आपका रिएक्शन को जो है फास्ट कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको बढ़ा देते हैं आपके कैटलिस्ट जो हमने भी केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट के बारे. हाँ खुशी पूछो. चलो चलो ठीक है. अब ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अभी तुम्हें लगेगा ना बुक के अंदर एक छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है तुम्हारी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें कैटलिस्ट वर्ड एक छोटा सा दिया है. पर चार नंबर का जेई से मतलब हमेशा ये क्वेश्चन तुमसे पूछा ही जाएगा कि कैटलिस्ट दे दिए कोई ना कोई, चार ऑप्शन दे दिए या मैचिंग में आएगा क्योंकि ये बहुत ईजी है. इसमें सारे कैटलिस्ट के नाम जो है तुम्हें पता होने चाहिए कौन सा कैटलिस्ट कहाँ पर यूज हो रहा है. ठीक है, अब एक बात जैसे कि लिखा है यहाँ पे दिख रहा है स्कैडियम की और कैटलिस्ट, ये क्यों शो कर रहा है भाई कोई मुझे बताएगा? डी एक क्वेश्चन जो है मैम कौन बता रहे मैम बताना है कि कैटलिस्ट क्यों शो करते हैं. हाँ डी ब्लॉक एलिमेंट शो डी नहीं तुम्हारा नेट नहीं चल रहा होगा. जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आपके कैटलिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि उनकी बहुत सारी वो होती हैं प्लस टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटलिटिक प्रॉपर्टी? ठीक है प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक भाई. वैशाली ने तो एक पॉइंट बता दिया, बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इसकी इसमें क्या है मेरे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. और सेकंड पॉइंट है ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या रहता है इनका? लार्ज रहता है. और साइज कैसा रहता है इसका? स्मॉल साइज. भाई हमें पता है ना साइज स्मॉल तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है. बोलो भाई हाँ या ना. yes, ma'am. ठीक है और कोई पॉइंट किसी को कोई याद है और कोई पॉइंट? एक तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जो है वो शो करता है. अब बच्चे मेरे पास जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है जिसके सोरम कुछ पूछ रही हो मैम हैंड्स आपका. हाँ बिल्कुल 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 ठीक बात भाई. बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल वेकेंट. खुशी ने बिल्कुल ठीक भाई याद दिलाया. वेकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं इसमें. तो इसमें क्या होता है मेरे पास आपका जो एलिमेंट है उसके जो उसके पास क्या होता है सरफेस एरिया उसको प्रोवाइड होता है जिसकी वजह से वो क्या करेगा. यस yes, बिल्कुल आदर्श. वेकेंट मींस खाली. खाली डी ऑर्बिटल उसके पास रहते हैं ना, सारे के सारे भरे नहीं है ना, हाफ कुछ कम एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल रहते हैं. तो मेरे पास ये चार पॉइंट है. ड्यू टू दिस मैं कहती हूँ कि जो मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. मेरा जिसमें स्कैडियम है वो कहीं भी आपका उसमें कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा भाई? मैम एक बार क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाना. स्कैडियम जो है वो आपका वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल कैटलिटिक. मैम क्योंकि इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. वेरी गुड. क्योंकि मेरे इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं. ठीक है ना. वेरिएबल ऑक्सीडेशन एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. क्या बोल रही हो अंजलि? मैम दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं. यस एक पॉइंट है भी इसमें आप जोड़ सकते हो भाई. क्यों भाई क्या है इसकी फिफ्थ पॉइंट? बिकॉज दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है भाई ये
आपका यहाँ ये कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर है भाई? क्वेश्चन आ जाएगा सीबीएसई वाले एग्जाम में, 5-4 पॉइंट लिख के आ जाना, ठीक है? 2 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट लिखना, जितने याद हो सारे लिख लेना, पर याद रखना सारे। हाँ, बस 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 भाई, बस करो, अब इतना ही बहुत है। स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अरे रुको भाई, तुम्हारे पास आ रही है ये पीपीटी। स्कैडियम जो है मेरे पास, वो क्या होता है, वो कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं होता। नेक्स्ट, अब हम सारे के सारे जो एलिमेंट है उनके कैटलिस्ट के नाम याद रखेंगे। टाइटेनियम का एक कैटलिस्ट है, आता है जिगलर नाटा। भाई कुछ याद हो ना हो इस कैटलिस्ट का नाम। और एक और बात इससे रिलेटेड, भाई हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किया था ये ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, क्या मुझे कोई बताएगा क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, वो जिगलर नाटा बनाता है। क्या ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स ये बनकर आएगा, क्या ये? हाँ भाई, ये तो तुम इसका यूज बता रही हो वैशाली, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओ, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? आदर्श कह रहा नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं रेनू? रेनू, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जब आपके पास क्या होता है, कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड, कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड। और यहाँ पर एल्यूमिनियम एक मेटल है और इथाइल जो लग रहा है आपका C2H5, ये डायरेक्ट इस कार्बन और एल्यूमिनियम का डायरेक्ट यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है जिगलर नाटा। और एक और बात, ये जिगलर नाटा का यूज कहाँ, ये कैटलिस्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है, वो बातें भी आपको याद रखनी है, कि मैचिंग में यही आएगा, बताओ विच कैटलिस्ट इज यूज। अब जिगलर नाटा में पूछ, ये भी सकता है, ये भी आ सकता है कि जिगलर नाटा और ऑप्शन में कहीं टाइटेनियम लिखा हुआ है, तो ये मतलब कि कौन से वाले कैटलिस्ट में टाइटेनियम मेटल की तरह काम कर रहा है, तो आप क्या बताओगे जिगलर नाटा में? तो ये, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा जिगलर नाटा है बताओ। बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, पर लेकिन अगर जैसे हमें नाम तो पता है, हम बाय चांस कंफ्यूज भी हो सकते हैं, भाई टाइटेनियम क्लोराइड के साथ क्या था साथ में, ठीक है ना, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो ये भाई याद रखना है आपको। मम्मी ऑर्गेनोमेटेलिक है कि नहीं है? है है है, कार्बन का डायरेक्ट एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बन रहा है ना, तो ऑर्गेनोमेटेलिक। आपने एल्यूमिनियम के आगे क्या लिखा है, C2H3? अरे C2H5, इथाइल, इथाइल ग्रुप बना है भाई, इथाइल लिखा ना, ET C2H5 इथाइल होता है आपका, और ये 3। क्लियर मैम? कितना याद करना पड़ेगा भाई? बहुत याद, तुम, मैं बोलता भी तो मैं तुम्हें ऐसे ही बोलती हूँ कि तुम बच्चे मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं ऐसा ही थोड़ी बोलती हूँ, कहती हूँ ना मैं हमेशा, तुम घूमते हो, तुम्हें तो समझ आएगा ही आएगा, कर रखा है पहले से ही। मुझे तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना होता है, मतलब आगे भी पढ़ना है तो सिर्फ केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, तुम बच्चों को तो फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स, मतलब रिवीजन वाले दिन तो मुझे बहुत टेंशन रहती है कि आज तुम लोग क्या कर रहे होंगे, ये सोचो। मैम कुछ नहीं, बस क्लासेस लेते रहते हो, हैं क्लासेस लेने में, मैंने फिर बताया क्लासेस मतलब ऐसा मत करना कि लेट के तुम सिर्फ क्लासेस ले रहे हो और तुम ये सोचते हो कि हम पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हैं, एग्जाम तक भूल जाओगे, निकाल के लिख लिया करो, जैसे जो पॉइंट बताया जाता है ना उसको एक कॉपी में लिख लो, लिखने के बाद जब 2-3 दिन बाद ना फिर, या रात में सोते हुए तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स की डेरिवेशन, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि ट्यूशन जाते जाते रास्ते में फिजिक्स की डेरिवेशन जो है दिमाग में चल रही होती थी, या फिर केमिस्ट्री से, मतलब केमिस्ट्री तो मेरा बहुत ईजी था, तो मेरे साथ ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता था, कुछ केमिस्ट्री में नहीं याद करना पड़ता था मुझे, एक फिजिक्स मेरे को बहुत टफ लगता था, तो मैं उसकी डेरिवेशन जो है वो रिवाइज कर रही होती थी कि इसके बाद ये स्टेप था, इसके बाद ये स्टेप था, ये यहाँ चला गया, तो फिर अच्छा लगता होगा, केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत आसान होता होगा आपके लिए। मेरे को बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है केमिस्ट्री पढ़ाना, मतलब केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है भाई, केमिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ मैं और कुछ नहीं पढ़ा सकती, एक बायो भी मुझे ठीक लगता है, लेकिन केमिस्ट्री बायो में लिख नहीं सकती हूँ। चलो ठीक है, बस बातें बहुत हो गई। जिगलर नाटा कैटलिस्ट टाइटेनियम के लिए होता है, उसके बाद मेरे पास टाइटेनियम और कोई कैटलिस्ट नहीं है, उसके बाद आ जाता है कौन सा मेरे पास, वेनेडियम। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम आता है। यस मैम, वेनेडियम आता है। यस मैम, ठीक है, वेनेडियम में मेरे पास जो मैम, इसके बाद कोई और सा भी करना पड़ेगा क्या? और याद नहीं करना पड़ेगा, टाइटेनियम के, टाइटेनियम, टाइटेनियम के लिए काफी है। और ये आज टॉपिक यही होगा, टॉपिक भी पढ़ा होगी आज,
नहीं बस ये कैटलिस्ट के बाद खत्म करती हूँ अगर टाइम बचेगा ये सानिया की वजह से आ रही है सानिया का माइक खराब है चलो ठीक है मुझे पढ़ाने दो अभी बाद में बात करते हैं ठीक है ना रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर B2O5 मेरे पास जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है इसमें मुझे वेनेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट बता देगा कोई स्नेहा या पारुल राय जिससे पूछूंगा अच्छा सिमरन को नहीं आता था ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और ऑक्सीडेशन स्टेट नीतू क्या है वेनेडियम की मैम +2 +3 +4 +5 अरे एक ही होगी भाई प्लस टू सब हो जाएंगी क्या मैम +5 सानिया से मैंने पूछा था जिससे पूछा करूं सिर्फ वही जवाब दिया करो अब है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में मुझे सिर्फ वेनेडियम की सारी सब नहीं बतानी वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है V2O5 में वेनेडियम मैंने लिया एक्स टू एक्स थे मतलब दो है या 2x प्लस 5 ऑक्सीजन का मेरे पास होता है 2 चार्ज इक्वल टू 0 ऊपर से कोई चार्ज नहीं है इसलिए यहाँ पर 0 आया x इज इक्वल टू 5 टू जा 10 डिवाइडेड में 2 आ गया आंसर प्लस 5 क्लियर हुआ भाई जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना था तो समझ में आ गया कि वेनेडियम okay, ठीक है तो प्लस 5 मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम इस ये किस में यूज होता है मेरा कॉन्टेक्ट प्रोसेस में भाई तुम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं पढ़े इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता क्या है पता है नो मैम चलो भाई जरा कॉन्टेक्ट प्रोसेस मतलब कि आपका जो ये बंदा है ना H2SO4 जो बनाने के लिए प्रोसेस यूज होता है उस प्रोसेस का नाम है कॉन्टेक्ट जैसे कि आपको अमोनिया बनाने के लिए कोई मुझे बताएगा मेरा इस प्रोसेस का नाम क्या होता था N2CH2 2NH3 एनीवन खुशबू पाल अरे भाई खुशबू पाल भोपाल मीनू इसका नाम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है बिल्कुल आफ्ताब ने जवाब दिया भाई इसका नाम क्या होता है इस वाले प्रोसेस का अमोनिया बनाने के प्रोसेस का नाम याद रखना है भाई माइक माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है हैबर रिपीट हो रही है जब माइक ऑफ ऑन करते हो ना तो होती है चलो हैबर मैम ये तो बट एनर्जी निकालने के लिए थी ना हैबर साइकिल जो भी एनर्जी निकालने के लिए था जो भी था ये जो आपका ये अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस होता है इसका नाम हेबर प्रोसेस होता है याद रखना कभी कभी एग्जाम में कोई रिएक्शन कुछ नहीं दिया रहेगा बता हेबर प्रोसेस नाम दे दिया या फिर ये क्या हो रहा है कुछ भी पूछ लेंगे इसमें क्लियर है हेबर प्रोसेस यस मैम ठीक है और इसी तरीके से H2SO4 बनाने के लिए जो मेरा और हैबर प्रोसेस में अगर क्वेश्चन आ जाएगा हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट का कौन सी कैटलिस्ट का यूज करते हो V2O5 अरे नहीं वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस है मतलब मैं तो सोच रही हूँ हैबर प्रोसेस हम बहुत बार लिखते हैं ना हैबर प्रोसेस में मेरा ये आयरन है ना ये मुझे एज अ कैटलिस्ट यूज होता है आयरन ठीक है तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन मैचिंग में मतलब ये क्वेश्चन बहुत जगह आया हुआ है क्या हैबर प्रोसेस लिखा हैबर प्रोसेस कॉन्टेक्ट प्रोसेस और अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया जिग्लर नाटा ठीक है और तीन मेटल दे दिए हैं आपको यहाँ पे आयरन टाइटेनियम और ये भी वेनेडियम वी सिर्फ वेनेडियम दे दिया सपोज नाम लिखा है पूरा पूरा वेनेडियम अब मैचिंग करना है किसमें कौन मतलब वेनेडियम इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है बट कौन सा मेटल यूज होता है तो आपको बताना चाहिए हैबर प्रोसेस में कौन सा वाला मेटल वाला कैटलिस्ट यूज होता है आयरन आयरन उसमें आयरन होता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कौन सा होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जिग्लर नाटा में आपका टाइटेनियम क्लोराइड और इथाइल एल्यूमिनियम वाला क्लियर है हो सकता है एल्यूमिनियम भी देते टाइटेनियम की जगह तो भी आपको पता होना चाहिए ये आपका जिग्लर नाटा है क्लियर अब आ जाते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस में H2SO4 जो बन रहा है वो कैसे है अब डी ब्लॉक नहीं पढ़ा तो इसलिए बता देती हूँ SO2 की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है SO3 की रिएक्शन हो रही है किसके साथ आपकी H2SO4 के साथ और आपका बन रहा है यहाँ पर क्या H2S2O
सेवन बनेगा, यस मैम। ठीक है, और H2SO7 जो है वो क्या हो रहा है आपका, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये आपका यहाँ पे H2SO4 जो है वो बन रहा है। ठीक है, मुझे इसमें ज्यादा H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बन। तो यहाँ पे जो ये कैटलिस्ट यूज हो रहा है वेनेडियम पेंटोक्साइड, दैट इज इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है फिर मुझे बताएगा, ये एल्यूमिनियम 2O3, अब यहाँ पर लिखा ही है वैसे तो, क्रोमियम एल्यूमिनियम 2O3 और प्लस क्रोमियम 2O3, ये मैं कहाँ पे यूज करती हूँ भाई, हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर किया होगा वहां पे पढ़ा होगा, एरोमेटाइजेशन करवाते थे ना हम एरोमेटाइजेशन हॉट ट्यूब में, याद है भाई, याद है, इसको हमने ऐसे बेंजीन में कन्वर्ट कर देते थे। यस मैम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर ये वाला कैटलिस्ट यूज होता है, तो ये आप पता होना चाहिए आपको। MnO, MnO2 आपका ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाने के लिए रिएक्शन यूज होती है, KClO3 इसका कोई नाम नहीं है, KCl और O2 आपका यहाँ पे निकलता है। यहाँ पे जो मेरी कैटलिस्ट यूज होता है भाई, वैसे नॉर्मली ये जो रिएक्शन है, मतलब अगर मैं इसको बिना कैटलिस्ट के करवाऊं तो ये बहुत देर लगाती है होने में, ठीक है ना, 6-7 घंटे लग जाएंगे, 6-7 आवर। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें आपका कैटलिस्ट डाला, कौन सा, MnO2, आपकी रिएक्शन जो है वो 25-30 मिनट में हो जाएगी, क्लियर है, 15-20 मिनट में। ठीक है, क्या क्या हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, बचा आयरन। आयरन के लिए भी बताया भाई, एक हम और यूज करते थे भाई आयरन का यूज, FeCl3 एनहाइड्रस, याद है किसी को, भाई अभी देख भी लिया होगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, बोलो भाई। मम्मी ये भी एल्युमिनियम, क्या ऑर्गेनिक से ही है भी, हाँ ऑर्गेनिक से ही, ऑर्गेनिक में हम यूज करते हैं एनहाइड्रस FeCl3 फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपका यूज होता है। और उसके बाद आता है Fe, आपका जब आप डालते हो वो बेंजीन में Fe ट्यूब वाला, ये किस में होता है आपका, जब आप बना एरोमेटाइजेशन करते हो, ठीक है, ये और एक मेटालिक Fe का यूज होता है आपका किसमें, ये कौन सा प्रोसेस आपका, हैबर प्रोसेस, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में ये रिएक्शन लिखी भी नहीं आएगी, ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे SO2 से O2 की रिएक्शन कराई SO3, या पूछेगा इस प्रोसेस का नाम बताओ क्या है, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो कौन सा है, एक्स की वैल्यू बताओ, यहाँ पे कैटलिस्ट डाला हुआ है वो क्या क्या है, वो मतलब उस आंसर क्या होगा, तो V2O5 याद रखना है आपको, इस प्रोसेस का नाम कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, एक और चीज याद रख लो भाई, फेरस सल्फेट और H2O2 को फेंटोन रिएजेंट भी बोलते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। निकिल का यूज तो भाई सबको पता होगा, निकिल जो मेरे batteries. पास नहीं, हैलोजिनेशन में भी यूज होता है आपका, हाइड्रोजिनेशन आप यूज करते हो, तो ज्यादातर निकल प्लैटिनम प्लैटिनम इनका यूज होता है आपका। यस मैम, ठीक है, प्लैटिनम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट होता है ये, सॉरी प्लैटिनम सल्फेट नहीं, प्लैटिनम सल्फेट भी होता है कोई, अगर नाम याद हो तो, ये कैटलिस्ट भाई अगर आपकी बुक पे ये नहीं है तो मत करना, जो जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं वो कर लेना, ठीक है भाई, अगर तुम्हें जेई और नीट पढ़ना है तो सारे ही करने पड़ेंगे, जो जो इस स्लाइड में प्रेजेंट है वो सारे, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर दिए हैं। ठीक है, देखो बुक के अंदर हैबर प्रोसेस लिखा हुआ है, फाइनली डिवाइडेड वेनेडियम का भी नाम है भाई, और कितने बचे अभी, बस खत्म, निकल आ गया, निकल याद रखना, एक ये हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे वैसे ये सब के बारे में, तुमने पढ़ा होगा ये एल्काइन से एल्कीन में पढ़ा है ना हमने ये, यस मैम, यस मैम, ठीक है, और ये हम एरोमेटाइजेशन में कॉपर का भी यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, कॉपर भी यूज किया जाता है। एक नाम और याद रख लो, वॉकर प्रोसेस, ये भी अब जैसे आपसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, वॉकर प्रोसेस पूछा जाए, वॉकर प्रोसेस क्या होता है, इसका नाम कहीं ना कहीं बुक में जरूर मेंशन है, तभी ये बार बार क्वेश्चन में आता है NCERT नीट के एग्जाम में, तुम ज्यादातर बच्चे नीट वाले हैं, सबने डॉक्टर बनना है ना, तो नीट का याद रखना, नीट में अगर तुमने केमिस्ट्री की जो मुझे यहाँ तक पढ़ा है, और बायो में भी, बायो का मुझे आइडिया नहीं है इतना, पर नीट में मैंने हर साल क्वेश्चन देखा है, NCERT से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता, और NCERT की एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, जो भी आपकी ये वॉक जो वॉकर प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं बुक में मेंशन है आपका कैटलिस्ट। कोई बता रहा है 11th क्लास में? रुको मैं देखती हूँ। ऐसे ही मैंने एक और बताया था कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है उसका लास्ट वाला पैराग्राफ, और एक ये वॉकर प्रोसेस वाला जो है ये भी कहीं है लिखा हुआ। ये क्या काम करता है? एल्कीन को कन्वर्ट करता है किसमें? ये क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं? बस बस सृष्टि तुमने मेरा ऐसे दिल तोड़ा है ना, इथेनॉल बोलते हैं इसको। पारुल राय, प्रियांशी, प्रियांशी नैलवाल या अरे वैशाली बड़ा हंसी नाम बताओ जरा, क्या है इसका वैशाली? तुम लोगों को सच में इसका नाम नहीं पता? नहीं मैम, इथेनॉल तो है। इथेनॉल अल मैम, इथेनॉल। अच्छा मैम, मैंने सही बोला? हाँ बिल्कुल सोना। सृष्टि ये अल है, एल्डिहाइड है ये, ठीक है? हाँ CH3CH2OH होता तो मैं इथेनॉल बोलती इसे, ठीक है? OH ये CHO है, ये इथेनॉल है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप। तो इथीन से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कॉपर क्लोराइड और पैलेडियम क्लोराइड ये यूज होता है, कॉपर और पैलेडियम क्लोराइड। इस प्रोसेस का नाम होता है वॉकर प्रोसेस। तो यहाँ पर भी जो आपका कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसका नाम याद रखना है आपको, क्लियर? यस मैम। चलो भाई अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट हम कर चुके हैं, वही है इसमें आपको दिया हुआ है कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। एक चीज जो मुझे आपको बतानी थी बुक के अंदर भी है वो, कि आपका क्रोमियम जो क्रोमियम नहीं कौन कॉपर, बस इसके बाद क्लास खत्म कर रही हूँ, बस छोटा सा पॉइंट है। कॉपर टू और आई टू फॉर्म में आयोडीन के साथ जो ये वाला कॉपर टू आई टू ये वाला बनता है, बाकी हैलाइड्स के साथ या कॉपर टू क्लोराइड टू नहीं बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनता है, कॉपर ब्रोमाइड बनता है। टू प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो जो होती है ये नहीं बनता, कॉपर प्लस टू वाली जो होती है वो स्टेबल होती है, पर ये कॉपर टू और क्या है आई टू ये बनता है। यहाँ पर मुझे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएगा? सानिया, अरुण तुम क्लास में आते नहीं हो क्या, बड़े टाइम बाद आए हो? मैम मैं बताऊं? नहीं सानिया को नहीं आया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। आई का कितना होता है? माइनस का वन। हाँ हैलाइड्स जितने भी रहते हैं फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड माइनस वन रहता है, ऑक्सीजन के लिए ज्यादातर में माइनस का टू रहेगा। बोलो सानिया कितना आया? मैम जीरो हो जाएगा, इसका वन होगा मैम, वन आएगा, ठीक है वन आएगा। तो मेरे पास कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहीं पर जो है वो क्या आएगी, प्लस वन। भाई क्लियर है? टू एक्स प्लस टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस का वन। तो कॉपर टू आई टू जो रहता है वो आपका बनता है, और यहाँ पर आपका रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो कॉपर टू प्लस है ना, होना तो चाहिए था कॉपर आई टू बन जाना, आयोडीन के साथ जब मैं रिएक्शन करवा रही हूँ कॉपर टू प्लस की, आई टू के साथ जब मैं रिएक्शन करवा रही हूँ तो सॉरी आयोडाइड के साथ, तो मेरे पास कॉपर आई टू बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि मेरे पास जो आयोडाइड जो है आई नेगेटिव, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर टू आई टू, और ये हो गया आपका आई टू में, ये माइनस वन से जीरो में चला जाता है। माइनस वन से जीरो में गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ? मैम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसका खुद का, अगर इसका खुद का आयोडाइड ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करवा देता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कॉपर टू प्लस का क्या हो जाएगा? रिडक्शन प्लस वन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इस क्लास को यहीं पे खत्म करती हूँ, वैसे जो ये वाला पार्ट है। अब कल मैंने स्टार्ट एक कुछ, हमने जब लास्ट क्लास हुई थी तब हम कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, और हमने एक ये कंपाउंड लिया, एक ये लिया, और एक क्या लिया, निकिल। एक बात मुझे बताओ, इनमें से कौन से को मैं जीरो वैलेंट कहूंगी? कौन सा वाला जो है मेरे पास इन तीन ऑप्शन में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो वैलेंट? जीरो वैलेंट मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। प्रेरणा, इन तीनों में से किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है? निकल में, निकल की
यस प्रेरणा समझ में आया, या मैं पूछ लूं ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें जीरो है या किस किसको मैं जीरो वेलेंट कहूंगी? मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया निकल CO4 बाहर रखा। क्लियर है प्रेरणा भाई? प्रेरणा समझ में आया है? हाँ, आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, ये पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक? ओवी मैम डाया मैग्नेटिक। ओवी डाया मैग्नेटिक है। कोई मुझे बताएगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉप मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? और मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने निकाला था उसका फॉर्मूला था n n plus 2, यही था n is the number of unpaired electron। आदर्श है क्लास में? आदर्श n n plus 2, इसमें number of unpaired electron कितने हैं निकल साइनाइड में? प्रेरणा ने जवाब दिया। हाँ सानिया पूछो, कुछ पूछ रही हो बच्चे? मैम जैसे हमारा 2 upon में 3 आता है तो मैम उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है पॉइंट में निकालनी पड़ती है या ऐसे नहीं निकलेगी? 2 upon में 3 किसका आया है? नहीं मैम क्वेश्चन देखा था तो हम उसमें ये वाला एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना उसमें आया था 2/3 आ रहा था आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट का। नहीं आ सकता बच्चे, या तो 2/3 आ रही है या फिर उसकी 1+2 1+3 ऐसे रहेगी या कुछ अलग जो भी है। मैम अगर आ गई तो हम उसे वहीं छोड़ दें या पॉइंट में निकाले? ऑप्शन में आंसर है ठीक है, 2/3 ऑप्शंस में कहीं मेंशन है पॉइंट में आंसर। तो पहली बात तो पॉइंट में ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी नहीं होगी। ऑक्सीडेशन यानी कि उसमें से एक कंपाउंड एक उसमें से जैसे Fe आप लिखते हो ना Fe3O4 अगर आप इसकी निकालोगे तो आंसर आएगा 8/3 राइट 8/3 आएगा ना Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। पर एक्चुअल में एक तो होता है FeO और Fe2O 3, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3+ होती है और एक आयरन की प्लस का 2 होती है ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब कुछ कुछ जो इसमें से जो कंपाउंड एक्सेप्शन है तो वो आपको आपके एग्जाम में भी ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में भी मिल जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज तो आपको ऑप्शन में गिवन होगा +2 और +3 तो आपको बताना होगा कि एक ऑक्साइड एक आयरन +2 में और एक आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ठीक है। तो अगर आपको अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है, मतलब नहीं अगर ये भी दिया है तो भी आप राइट वाला यही टिक करोगे, लेकिन अगर ये नहीं दिए सारे के सारे कुछ फ्रैक्शन में ही लिखे हैं तो आप फ्रैक्शन वाले। या क्वेश्चन में आ गया एवरेज, मतलब एवरेज बताओ पूरी टोटल पूछ लिया उसने ठीक है। तब नेक्स्ट आ जाओ इसमें, जरा बताओ डायमैग्नेटिक है, सबको पता है डायमैग्नेटिक है और जीरो इसका जीरो आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट इसका। यस मैम, क्योंकि ये आपका कैसा कंपाउंड है साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है और जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चे तो ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे ये 3D8 रहेगा क्योंकि निकल 2+ में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपके पास खाली SP3 खाली DSP2 इसकी DSP2 इसकी जो है वो ज्योमेट्री हो जाएगी मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी शेप स्क्वायर प्लानर हो जाएगी और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना रहेगा इसमें जीरो क्योंकि देयर इज जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे निकल CO4 में भी जीरो बट निकल क्लोराइड में टेट्राक्लोराइड निकल में निकलेट इसका नाम क्या होगा? मैम इसमें 2 अनपेयर्ड होंगे। इसका नाम क्या होगा? टेट्राक्लोराइड क्लोराइड हो या फिर टेट्राक्लोराइड निकलेट, याद है भूल गए नेमिंग? निकलेट 2। यस मैम एनायन हाँ और अनायन है। तो अब मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसमें भी 3D8 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैंने जब 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए तो मेरे पास कितने अनपेयर्ड आए? 2। आदर्श मैंने यहाँ पर इनको पेयरिंग क्यों नहीं करवाई, वहां पर पेयरिंग क्यों करवाई पता है? आदर्श को पता है? सोनम यस मैम पता है आपको? लवी तुम्हें पता है? मेधा जिससे पूछती जा रही हूँ, भाई थम्स अप देख रही हूँ मैं यहाँ पे। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना। अरे भाई सो गए थे तुम मतलब है ना? नहीं आदर्श मैं बोल रही हूँ यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है व्हाई निकल क्लोराइड हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट 2.8 समथिंग कुछ है इसका 8.6 और निकल CO4 इज जीरो, इसका जीरो क्यों होता है? या निकल साइनाइड वाला ही ले लो आप, निकल साइनाइड वाला ही, इसमें इसकी जीरो क्यों होता है मैग्नेटिक मोमेंट आपका?
क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी आदर, ये मैं फिल करूंगी, तो मैं जब इन्हें फिल कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे मेरे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल कर आए, जिसकी वजह से ये कैसा रहता है, एक तो पैरामैग्नेटिक, कैसी प्रॉपर्टी रहेगी इसकी, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट अगर मुझसे पूछ लिया जाए तो 2.86। क्लियर है? यस मैम, बस आदर्श यही बता रही थी, मैंने पूछ लिया, सब बता दिया, ओके आता है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से जिसे क्वेश्चन पूछना था, जरा वो अपना कमेंट में क्वेश्चन पूछ लें, या फिर कौन थी, अंजलि थी, कौन था? यस मैम, सेंड कर दिया मैम आपको कमेंट में, इधर ही यही भेजा है। अरे भाई बड़ा लंबा चढ़ा क्वेश्चन पूछा है। चलो भाई और किसी को भी अगर कोई, भाई और भाई तुम लोगों ने बड़ी जल्दी बाय कर